आपको मिलता जा रहा है, आप देते जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन नए इन्वेस्टमेंट्स आने बंद हो गए उस दिन फिर वही वही होगा जो साधन है ना। लेकिन चिटफंड इंटरनेशनल चीज नहीं है, चिटफंड कुल ये पूरा कंसेप्ट भारतीय है। चिट फंड्स पूरी तरीके से और ये जो कंसेप्ट पूरा जो बना है ये पूरा तरीके से ये भारतीय चीज है। इनफैक्ट आजकल के इंटरनेट के जमाने में कोई भी जाके देख सकते हैं चिट फंड करें तो सबसे पहले आएगा इंडियन कंसेप्ट। ये भारतीय चीज है। आप रोहित जो बताने हैं सेविंग्स एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी वगैरह क्रेडिट वो अलग चीज है। अच्छा, और चिट फंड्स का ये जो दायरा है ये बिल्कुल भारतीय आता है। मुश्किल है कि भारत में ये चीज में ढल साहब और धीरेन्द्र कुमार जो बता रहे थे चिट फंड्स का और चीट फंड्स तब बनता है जब किसी जगह पे किसी तबके में वहां पे आर्थिक लोगों के पास पैसा आना शुरू होता है। वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जब उनके बीच में लोग आके कहते हैं भाई पैसे कुछ मिला है कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो एक एनवायरमेंट जो तैयार होता है या नहीं तो बहुत गरीबी का। इन दोनों सिचुएशन एक जिसे कहते हैं प्रॉमिसिंग सिचुएशन रहता है जब चिट फंड्स का आना क्या शुरू होता है। और प्रॉब्लम यह है कि चिट फंड्स में ये नहीं कि लोग जान नहीं पाते हैं, चिट फंड्स जो भी इन्हें लॉन्च करते हैं तो विदाउट एनी रेगुलेशन, क्योंकि मैंने कभी सुना है कि काफी नामी गिरामी लोग इनके साथ इनके नाम के साथ अटैच रहते हैं, तो मतलब वो लोग कभी चेक नहीं करते कि लाइक क्या हो रहा है क्या है एक्चुअली। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि हम इलिटरेट लोगों की बात कर रहे हैं, वो नामी ग्रामीण लोग काफी लिटरेट लोग होते हैं और काफी अच्छे पोजिशन पे रहते हैं तो उनका नाम भी बदनाम होता था। डेफिनेटली उनको भी सोचना चाहिए और बिफोर वो इन्वेस्ट के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर नाम किसी का जुड़ा है तो हम भी सोचे अच्छा उन लोगों का नाम जुड़ा है लेट्स गो विद दैट, तो हम फ्लो के साथ चले जाते हैं। ओके ये बात सही कह रहे हैं कि जब पॉलिटिकल क्लास के लोग अगर शामिल हो जाए, बड़े नाम शामिल हो जाए, मीडिया भी साथ में शामिल हो जाए तो ये जो ब्रांडिंग करते हैं वो बहुत दिलचस्प और खतरनाक किस्म की होती है कि लोग उसमें घिरते चले जाते हैं। ये तो स्वाभाविक है। देखिए अगर कोई फोर्जरी का पूरा कॉन्सेप्ट है तो वो उन सारी चीजों को लेने की कोशिश करेगा। एक बड़ी चिटफंड कंपनी जो शायद दोबारा क्राइसिस में आ रही है वो एक आईपीएल टीम के स्पॉन्सर है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। क्योंकि जब एक बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश की जाती है सेविंग के जरिए तो आप पॉलिटिकल कनेक्शंस की कोशिश करते हैं, आप बड़े ब्रांड एम्बेसडर लाने की कोशिश करते हैं और ये बहुत एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है इंडिया में। आपने केवल आप शारदा को ना इसमें लें, आप साउथ से लेकर और वेस्ट तक देखते जाए तो इस तरीके के कई किस्से और कहानियां दिखाई देंगे जहां इसी तरह से उनको मार्केट और उनको एस्टेब्लिश किया गया। बुनियादी सवाल है कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर बड़ा सवाल है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेकर इंडिया में इतना कंफ्यूजन है और मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत फ्लॉड हो चुका है। तो इसको लेकर जरूर कोई बड़े पैमाने पर रेगुलेशन एक रिएक्शन करें रोहित जी से फिर खन्ना जी से। हाँ रोहित, यहाँ पर ऐसा नहीं है इतना जितना पैनिकली बात है, क्योंकि जैसे अभी हमारे एक गेस्ट ने भी कहा कि भाई कोई हमसे डिपॉजिट लेना चाहिए। जब भी हम कोई ग्रुप शुरू करते हैं वहां पर हमें जितने का भी हम वैल्यू का ग्रुप शुरू कर रहे हैं उतने की वैल्यू की हमें एक एफडी या कोई बैंक गारंटी देनी पड़ती है रजिस्ट्रार चिट फंड को, जो कि रिलीज तभी होती है जब वो ग्रुप खत्म होता है और हम बैंक से सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने इन 20 लोगों को इन नामों पे चेक दिया है जो इनके नाम पे पास हुआ है। उसके बिना वो पास हो ही नहीं सकता। ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, मीडिया की भी बात कर रहे थे, एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे थे कि इसमें बड़े बड़े लोगों के नामों को जोड़ा जाता है, उनके थ्रू ये बताया जाता है कि साहब हम जो है विश्वास करने लायक एजेंसी है और जिसके झांसे में लोग फंस जाते हैं। ये भी तो एक बड़ी चीज है जिस पर ध्यान रखना होगा। देखिए जब व्यापारी बिजनेस करने वाला पैसे जुटाने की कोशिश करता है तो लोग लुभावने सपने वो जरूर दिखाता है, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करता है, क्रिकेट टीम स्पॉन्सर करता है और जो भी मार्केट में अपनी धाक दिखाने के लिए करता है उसको उस पैसे का एक हिस्सा उसमें पहले इन्वेस्ट कर देता है और फिर वो पैसे इकट्ठा करता है। उसकी मंशा यह है कि खर्चे निकाल के भी उसकी कमाई हो जाएगी। अब सेबी ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो सहारा के खिलाफ ऑर्डर्स किए वो भी यही इसी टाइप की स्कीम है कि उसमें अभी गिरा नहीं है, धाराशाही नहीं हुआ है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया। सेबी ने कहा आपने कैसे पैसा इकट्ठा किया, सेबी ने सवाल उठाया ना, तो वो क्या था, वो भी तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है कि आपसे पैसा लेंगे और आपको रिटर्न मिलेगी और हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो शारदा और सहारा में जो प्रिंसिपली तो कोई फर्क नहीं है, हाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है और एक अभी बड़ा बनने की कोशिश में है। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के व्यापारी समय समय पर पब्लिक की जेब में से पैसा निकालने के तरह तरह के स्कीमें लाते रहे हैं और कुछ लोग धाराशाही हो गए
कुछ बच निकले, कुछ करोड़पति बन गए। जी धीरेन्द्र, एक बात बताइए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी ये मानते हैं कि साहब ये जो चिट फंड कंपनियां हैं ये भी एक जरिया है जिससे लोग जो हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को रख सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं, मतलब जो माइक्रो लेवल पे जो फाइनेंशियल एजेंसीज काम करें उसमें ये काफी सहयोग करते हैं, उसी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन जाते हैं और लोगों को मदद करते हैं। क्या वाकई ये मदद वाला एंगल भी इसमें है? नहीं, ये मदद वाला एंगल, ये इनफॉर्मल या छोटे ग्रुप में रिवॉल्विंग क्रेडिट काफी लेजिटिमेट एक्टिविटी है, बल्कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, देश में करीब करीब 1.5 लाख चिट फंड्स हैं जो कि रेगुलेटेड है, जो कि जिनका कि कुछ 10 गुना भी अगर कस्टमर का पेनिट्रेशन, जनता है उसको अवेयरनेस की बात है, वो कहां से आएगा? उसके लिए दो चीज है, बैंक SBI का ब्रांच सबसे ज्यादा है, गांव गांव में फैला हुआ है। दूसरा चीज पोस्ट ऑफिस के बारे में सर ने कहा, पोस्ट ऑफिस गांव गांव में है, पोस्ट ऑफिस इतना हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, प्राइवेट बैंक हाईलाइट हो रहा है क्यों? कहीं न कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी में प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाए कि हम एक एम्प्लॉई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव अपना रखेंगे बैंक में, हर एक बैंक में, हर एक पोस्ट ऑफिस में, जो हमारे अकाउंट खुलते हैं, जो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में जमा कराते आते हैं, हम उनको साल में एक बार, 6 महीने में एक बार बुलाएंगे, एक सेमिनार करेंगे, जैसे हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी बुलाया जा सकता है, उनको अवेयरनेस दिया जा सकता है कि कोई भी आके आपसे पैसा मांगता है 25% हम रिटर्न दे देंगे, 40% दे देंगे, तो ऐसे पैसा ना दें। एक बार आकर देखें, उनके पास एक लिस्ट बना कर देंगे कि ऐसे ऐसे कंपनी ने इस ईयर में पैसे मांगे और उधार असाई हो गए। अगर जमा कराने जाते हैं तो किस पैरामीटर पर आप देखें, आप जाएं देखें, उनसे पूछें कि हमारे पैसे कहां से लगाए। तो ये बेसिक जो जड़ है पोस्ट ऑफिस और बैंक, इसकी शाखाएं गांव गांव तक फैली हुई हैं। अगर उस रूट पर काम किया जाए तो आने वाले 10 साल में ये ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगा बट रिड्यूस हो जाएगा, बहुत बहुत कमी आएगी। हाँ, आप बोलिए सर। हाँ, बोलो। इसके लिए हम कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि आप अगर कहीं के चीफ मिनिस्टर हो और ऐसी कंपनियां आपकी एक पेंटिंग के लिए 3 से 4 करोड़ देती है, आप कहीं के सांसद हो और 1 महीने का 12 से 15 लाख का मेहनताना आपको देती है, अगर जनता भी ये जानती है कि आप इतने बड़े पेंटर नहीं हो और इतने बड़े आपका टैलेंट नहीं है कि आप इतना मेहनताना आपको मिल पाएगा, और आप जुड़ते हो, जनता का रिप्रेजेंटेटिव हो और आप जुड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं खोजबीन नहीं कर रहे कि कहां जा रहे हो, कहीं ना कहीं जनता तो विश्वास करने पर मजबूर हो जाती है। सही बात है। आगे दीजिए माइक। हाँ, आप बोलिए। हाँ, आपका एक्सपीरियंस है चिट फंड का, बताइए क्या है? वो तो सरदा में एक्चुअली 3.5 लाख रूपया गया, मतलब जाने का कारण यही था, वो तो एजेंट था। दोस्त, क्या आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, कभी भी आपने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कभी हो जाएगा हमारे साथ? सरदा जो मेरा टाउन में जब आया था वो पहले भी एक बार मैच्योर कर दिया था, बहुत आदमी का एक बार हो गया, जिसे इन्वेस्ट करके सब मैच्योर हो गया था, ये था मेरा, तब जाके हम किए कि हाँ बहुत सारा लगा का हो गया है चलो। कहने का मतलब ये कि आपको बैंक में आप जा सकते थे, आपको पता था, लेकिन फिर भी आप बैंक छोड़ के वहां गए। सही बात है ना? तो शुभमय, जरूरी नहीं है कि बैंक होंगे तो ठीक हो जाएगा सब, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बताइए और बोलिए। हाँ, क्या कह रहे थे? और अभी जो सवाल है ये भी है कि बाकी जो चिट फंड है, हाँ, वो अभी यही बोल रहे हैं कि आप 25% माइनस करके बाकी आप प्री मैच्योर कर लीजिए, तो इसीलिए बोल रहा है कि सब आदमी वो भी कर रहा है कि हमको 25% काट के और बाकी दे दीजिए, तो ये क्या है? अभी जो रूल आ रहा है ये कि सही है कि, लेकिन आप ये मानते हैं कि कहां से कोई आदमी इतना पैसा दे देगा जब बैंक नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा, 25%, 14%, 15%, 20%, कभी ये ख्याल मन में नहीं आता, लालच के आगे कुछ नजर नहीं आता, आंखें बंद हो जाती हैं? नहीं, ये तो नहीं, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट करता है वो उसी टाउन के अंदर ही करता है, जैसे हम लोग के पैसा लेके हम लोग के वहाँ पे फ्लैट के लिए भी उन्होंने किया है, बहुत बड़े जगह लेके वहाँ पे एड वेड देके बहुत कुछ किया है। अब तो आप कभी इस चक्कर में नहीं फंसेंगे? और तो नहीं, अब नहीं फंसेंगे ना? नहीं, मौका मिलेगा तो फिर फंसेंगे। नहीं फंसेंगे। ओके, इधर दीजिए माइक। हाँ, बोलिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये चिट फंड्स आते हैं, जैसे अभी सहारा में मेरे मामा ने इन्वेस्ट करा है, वो मेरे से पूछते हैं कि मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपसे क्यों पूछते हो, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं? नहीं नहीं, मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ ये टेक्निकल एनालिस्ट का, इक्विटी रस से। अच्छा, तो वो पूछते हैं। ओके, तो वो कहते हैं कि पैसा तो आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सहारा क्यू शॉप उनने खोल रखी है, उनने कहा सहारा तो क्यू शॉप बंद नहीं हुई है, तो फिर मेरा पैसा, मैंने कहा होप कि आ जाना चाहिए। और जैसे एक मेरे बगल में उन्हें किंगफिशर एयरलाइन है, उनकी RD करा रही है 4,000 पर मंथ की, अब जब वो कंपनी का उसमें आ रहा है टीवी में, तब वो पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा आप देखो क्या हो जाए। तब मैं पूछना चाहता हूँ आम अवेयरनेस, जैसे लोग ये कैसे नॉलेज के आगे
उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और इस तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन रेगुलेशन इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, एक खामी है जो नजर आ रही है। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहां मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चिट फंड्स की और उनकी उन कारस्तानियों की जिसको भुगता है अभी पश्चिम बंगाल के लोगों ने। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहां मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से कि आखिर हमें क्या कुछ सबक लेने चाहिए जब हम इस तरह के चिट फंड्स में अपना पैसा डालते हैं। ढाल साहब, अब आप क्या कहते हैं, क्या बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि सब सरकार की भी एक हद पर नाकामी है, राज्य सरकारों की भी नाकामी है कि जब एक आदमी लाखों करोड़ों रूपये बना रहा है, झांसे दे रहा है लोगों को इतने बड़े बड़े, किसी की नजर में नहीं आते, तो कहीं ना कहीं फ्लॉज जो है हमारे कानून में, एक्ट में भी है। नहीं, रेगुलेटरी फेलियर तो थोड़ा इसमें जरूर है और मेरे ख्याल से मेनली स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे है, क्योंकि या तो ये चिट फंड की कैटेगरी में है और या तो ये फ्रॉडुलेंट और क्रिमिनल एक्टिविटी की कैटेगरी में है, और इसका कोई इतना इजी सॉल्यूशन नहीं है। अवेयरनेस भी एक की भी आवश्यकता है, उसके लिए भी सरकार के पास है एक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPF उसको कहते हैं, उसका भी उपयोग किया जाना चाहिए इस लेवल पे। जनरली वो जैसे कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं, फाइनल कमेंट्स, क्या सबक लेने चाहिए? नहीं, एक तो कि अगर आपको कुछ भी अगर टू गुड टू बी ट्रू दिखे, अगर आपको भारत के बजाय 18% दिखे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और उसे दूर रहना चाहिए। अगर आपको अपने पैसे से प्यार नहीं है तो जरूर ये लालच। लेकिन उन्होंने नीड की बात भी की ना कि साहब बैंक इतने कम टाइम में मुझे लोन देगा नहीं, नहीं अब जरूरत मेरी है तो अब मैं कहां जाऊं। चिट फंड एक लेजिटिमेट एक्टिविटी है, ये देखिए चिट फंड आपका पैसा ले रहा है और आपको आपको क्रेडिट भी एक्सटेंड कर रहा है हाथ के हाथ, 20 आदमी में से एक आदमी को पूरा क्रेडिट वापस मिलता है, वो एक डिफरेंट एक्टिविटी है, वो एक रिवॉल्विंग क्रेडिट है। जब ये एक लालच की लालच का इंस्टेंस है जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, पहले आपका विश्वास जीता गया है, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को देखा, अपने दोस्तों को देखा कि उन्होंने पैसा लगाया और उन्हें फायदा हुआ, ये आखिरी में आए इसलिए इनका नुकसान हो गया, तो पहले कम लोगों में उसको बांट करके और पहले उन्हें लुभाया जाता है, उनका विश्वास जीता जाता है। ये नियमों का फेलियर है, ये कभी भी पनपते समय नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि तब तक किसी को नुकसान नहीं होगा, तब तक लोगों को विश्वास होगा, तब तक लोग इसको छुपाएंगे क्योंकि उन्हें इतना फायदा होगा कि लोग सोचेंगे कि इसका फायदा हम उठाते रहेंगे, तो लोग इसके पार्टनर हो जाएंगे जब तक उन्हें फायदा होता रहेगा, जब तक कि आपका विश्वास जीता जा रहा है। इसके लिए अगर ऐसे कानून नहीं बनाए गए कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड एंटिटी अगर पैसा लेता है और 100 आदमी से ज्यादा ले लेता है या 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट ले लेता है तो आपको जेल जाना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के केस में ऑर्डर किया है कि उनको सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, वो इस बिना पे किया है कि उन्होंने फाइनेंस रेज करने के लिए सेबी के रूल्स को फॉलो नहीं किया और सेबी का ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक वो अपहोल्ड हुआ। तो परंतु ये भी तो देखिए ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने बरस सहारा कंपनी के ग्रुप की पार्टीज अटेंड करी है, उनको रेगुलेट नहीं किया है, तो ये भी दर्शाता है पश्चिम बंगाल में भी कि वहां की सरकार पहले वाले भी और अब वाले भी ये इनके साथ हनीमून मनाते रहे हैं फ्रॉडस्टर्स के साथ, और अब क्योंकि भांडा फूट गया है आप कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं है। अरे आपके MPs और आपके जो लोग, जरूरी है कि गुड गवर्नेंस के तहत हमारे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि प्रदेश और केंद्रीय सरकारें पब्लिक की फाइनेंशियल लूट के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बनी हुई है उनको सक्षम करके और जो क्रैक्स है रेगुलेटरी ज्यूरिसडिक्शन में उसको पूरा करें और इसको फ्यूचर के लिए बंद करें रास्ते को। रोहित जी, फाइनल कमेंट्स आपकी तरफ से। मैं यही कहूंगा दोबारा, चिटफंड में कोई कमी नहीं है, बस अवेयरनेस की जरूरत है लोगों में। यहां तक कि लोगों को यह भी नहीं पता होगा केरला स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक चिटफंड कंपनी चलाती है जिसका 2,000 करोड़ रुपए का हर महीने का काम है, और यहां तक कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने बैंक, म्यूचुअल फंड्स और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ते हुए चिटफंड को चुना है टू गेट टू द पुअर पीपल इन इंडिया, जिसके पायलट प्रोजेक्ट्स अभी हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी हर चिटफंड कंपनी इंडिया में इसको करेगी। और एक की एडवाइजरी ग्रुप जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर बनाया गया है, जिसमें ये सारी सेल्फ रेगुलेशन बॉडी के लिए और अवेयरनेस के लिए और बाकी सारी इसकी इंप्रूवमेंट के लिए है। तो जब भी इन्वेस्ट करिए अपना पैसा, चिटफंड कंपनी की रजिस्ट्रेशन और इस ग्रुप के लिए, हर ग्रुप चलाने के लिए एक प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ती है, उसको जरूर देखिए। और आपके माध्यम से, न्यूज चैनल और मीडिया के माध्यम से सब लोगों को यह कहना चाहूंगा कि इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, पर अपना पैसा लगाने से पहले प्लीज जरूर चेक करिए। अंशुमन तिवारी, मेरे पास दो छोटी छोटी बातें हैं। एक तो नीचे के लेवल पर माइक्रो क्रेडिट और कैश की अवेलेबिलिटी बड़ा चैलेंज है, उसके लिए कोई सेटअप हमारे पास नहीं है, तो ये सारे सेटअप वहां तब तक चलते रहेंगे, आपको मनी लेंडर्स भी दिखाई देते रहेंगे इस देश में, चाहे कितने बड़े बैंक हो जाएं, और ये चलते रहेंगे। वहां पर किसी रेगुलेशन की जरूरत है, अभी
وہ پورا کا پورا حصہ انریگولیٹڈ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب اس کے آگے کیا ہے, سرکار اس طریقے کے گھوٹالے نکلنے کے بعد کاروائی کیا کرتی ہے, پیسے کتنے لوگوں کے واپس ملتے ہیں اور ایکشن کس طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ آپ ڈیٹرنٹ تبھی بنا سکتے ہیں جب یہ دکھائی دے کہ یہ لوگ جیل میں, اور گلوبلی جب اس طریقے کے فراڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہاں کے ریگولیٹرز نے جس طرح کے ایکشن لیے ہیں اور ان سے یہ طے ہوا ہے کہ یہ چیزیں آگے نہیں آئی ہیں. اور ہم نے بھارت میں دیکھا ہے کہ فائنینشیل فراڈ کا پروسیکیوشن بہت خراب ہے, بھارت میں فائنینشیل فراڈ میں اس کے لیے ایک ریگولیٹر کا ضرورت ہے جو پولیس مین کی طرف سے کھڑے رہے کہ آپ بھائی صاحب جب بھی آپ لینے کا کوئی بھی ایسا اسکیم چلانے شروع کریں گے اگر آپ نے پرمیشن نہیں لیا ہے ایون یہ 10 روپے کا بھی تو وہ انلیگل ہے, اور جیسا انشمان کہہ رہے ہیں اس کے ایگزمپلری پنشمنٹ دیں گے. اگر یہ کیا جائے تو نشچت ہی وہ خبر سب تک لٹریسی کی ضرورت نہیں رہے گا, وہ اپنے آپ ہی سب سے پہلے پہنچ جائے گا کہ یہ رسکی ہے اس کو بند ہو, یہ بند ہو جائے. جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جاگرکتا چاہیے اور ریگولیشن میں کسی طرح کے ڈھلائی جو ہے وہ نہیں چاہیے, تبھی اس طرح کی چیزوں پہ ہم نکیل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لالچ بری بلا ہے, ہم نے بچپن سے پڑھا, اسے بھی ذرا نظر انداز مت کریں, کیونکہ ضرورت ایک چیز ہے لیکن لالچ ایک دوسری چیز ہے, اس پر فرق بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, نمسکار.